राज्यसभा चुनाव 2020 का रण, कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल राव की जीत हो गई है, कांग्रेस के नीरज डांगी की भी जीत दर्ज हुई है और भाजपा से राजेंद्र गहलोत की जीत दर्ज हुई है। राज्यसभा चुनाव 2020 कांग्रेस के दोनों ही प्रत्याशियों ने अपनी जीत को दर्ज किया है। केसी वेणुगोपाल और नीरज डांगी दोनों ने ही जीत दर्ज की है। साथ ही में बीजेपी से भी राजेंद्र गहलोत जो प्रत्याशी हैं बीजेपी के पहले और प्रायोरिटी लिस्ट में पहले स्थान पर रहे, उन्होंने भी अपनी जीत को दर्ज किया है। और कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर छा गई है। जी हां, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भाजपा से राजेंद्र गहलोत की जीत दर्ज हुई है। इसके अलावा कांग्रेस के दोनों ही प्रत्याशी, कांग्रेस शुरुआती दिनों से ही दावा कर रही थी कि कांग्रेस के दोनों ही प्रत्याशी बहुत अधिक संख्या बल के साथ में जीत दर्ज करने वाले हैं, पर्याप्त संख्या बल है उनके पास। और इसी खबर पर अधिक बातचीत के लिए एवन टीवी के चैनल हेड अनिल लोढ़ा जी फिलहाल फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। अनिल जी, कांग्रेस के दोनों ही प्रत्याशी, उनका वर्चस्व और विश्वास कांग्रेस पार्टी ने जिन पर दिखाया वो कायम रहा है, दोनों ने ही अपनी जीत दर्ज की है। इसके अलावा राजेंद्र गहलोत जो बीजेपी के प्रायोरिटी लिस्ट में थे, उन्होंने भी अपनी जीत दर्ज की है, क्या कहेंगे इसके बारे में? ये परिणाम उसी तरह का है जैसे कि संख्या बल दोनों पार्टियों के पास था। जी, कांग्रेस को पता था कि उसके दो प्रत्याशी जिताने की क्षमता है, उन्हें दो खड़े किए, तीन खड़े नहीं किए। लेकिन भाजपा जानती थी कि एक ही जिता सकती है, फिर भी दो खड़े किए। क्या करना चाह रही थी भाजपा? जी, भाजपा कांग्रेस को तोड़ना चाह रही थी, कांग्रेस में मतभेद पैदा करना चाह रही थी, फूट पैदा करना चाह रही थी, ग्रुप बनाना चाह रही थी, हॉर्स ट्रेडिंग करना चाह रही थी, क्या करना चाह रही थी? ये सवाल इस नतीजे के साथ ही उठ खड़ा हुआ है। बिल्कुल, कोरोना की इस महामारी के बीच सत्तारूढ़ पार्टी को अपने विधायकों को लेकर 8 दिन तक 9 दिन तक एक होटल में रखना पड़ा, संभालना पड़ा और उनको बचाना पड़ा भाजपा के तथाकथित संभावित आशंकित हॉर्स ट्रेडिंग से। ये लोकतंत्र के लिए अच्छे संकेत नहीं। जी बिल्कुल, राजस्थान में इस तरह की परंपरा नहीं रही है। और अगर अपनी अपनी संख्या बल के आधार पर दोनों पार्टियां सीमित रहती हैं तो निर्विरोध निर्वाचन हो जाता और पहले से जानते हुए कि वो दूसरा प्रत्याशी नहीं जिता सकते, फिर भी उन्होंने दूसरा प्रत्याशी खड़ा किया और ऐसे संकेत दिए कि वो कांग्रेस को तोड़ देंगे, निर्दलियों को तोड़ देंगे, जी वोट ले आएंगे इधर से उधर। सब जानते थे कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के रहते, जो कि राजनीति के बहुत जबरदस्त जानकार और दक्ष खिलाड़ी हैं, जी उनके रहते हुए और उन्होंने जिस तरह कोरोना में मैनेजमेंट किया, जिस तरह पूरे पूरे दिन बैठ करके एक एक विधायक की सांसद की बात सुनी और इस संकट काल में राजस्थान में सफलतापूर्वक महामारी से निपटने का उपाय किया, उस मुख्यमंत्री के सामने ऐसी चुनौती, कपोल कल्पित चुनौती जी, वो खड़ी कर दी। तो इसलिए भाजपा को इस बात के लिए विचार करना चाहिए कि उसने ऐसा आखिर किया क्यों और उसका क्या नतीजा निकला। जी, प्रदेश की जनता के हित में ये 10 दिन सरकार बेहद ज्यादा कारगर उपाय करती, काम करती और बहुत सारी बातें जो हो सकती थी नहीं हो पाई क्योंकि ध्यान दूसरी तरफ चला गया। इसलिए जो अपनी सीमा है, जो अपनी मर्यादा है, उसको राजनीतिक दलों को समझना चाहिए। जी बिल्कुल, और राजस्थान, मध्य प्रदेश या कर्नाटक नहीं हो सकता, ये बात सब जानते हैं। इसलिए अब ये जो मैंने शुरू में भी एक बार ये कहा था कि भाजपा तालाब में ठहरे हुए पानी में कंकर फेंक कर लहरें गिनना चाहती है, क्या कांग्रेस में बगावत की कोई लहरें उठा सकती है और किसे कांग्रेस की सरकार गिरा सकती है? शायद ये एक एफर्ट था ऐसा जानने का, जांच करने का, और मैं समझता हूँ उनको निराशा हासिल हुई होगी। जी जी,
अनिल जी, इसी जीत के साथ में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो राजनीतिक कौशल है, उनकी जो दूरदर्शिता है, नेतृत्व क्षमता है, उसकी जो पैठ है वो दिल्ली दरबार तक जरूर पहुंचेगी, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने अपनी दोहरी भूमिका निभाई है, कोरोना के संकट काल में विकट परिस्थितियों के साथ में जनता को भी संभाला है, साथ ही में विधायकों को भी जोड़े रखा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, वो दिल्ली दरबार तक क्या पहुंचे, दिल्ली दरबार तो जानता ही है सारी बात। गुजरात में जिस तरह अहमद पटेल के मामले में उन्होंने लोहा लिया, मोर्चा लिया, गुजरात चुनाव में मोर्चा लिया, कर्नाटक में मोर्चा लिया, अशोक गहलोत की क्षमता के बारे में अब किसको क्या सूचना पहुंचनी है, सब जानते हैं कि वो कितने बड़े जानकार हैं रणनीति के और कितना जबरदस्त काम कर सकते हैं, मैनेजमेंट कर सकते हैं, उसमें कोई दिल्ली दरबार को अब पता लगे इस घटनाक्रम से ऐसा नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि भाजपा ने बड़ी टेक्टिकल मिस्टेक की है, उनने अशोक गहलोत को पहले से ज्यादा मजबूत और पहले से ज्यादा कठोर और पहले से ज्यादा अधिक कूटनीति की बना दिया। जी अनिल जी, तमाम छवि सुधरी है और बनी है अच्छी, और एक अटल राजनीतिक व्यक्तित्व के रूप में कांग्रेस के जो उनकी पहचान थी कांग्रेस में देश के स्तर पर, वो और उनकी ऊंचाइयों पर पहुंची। जी बिल्कुल अनिल जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया आपका। कांग्रेस के नीरज डांगी और केसी वेणुगोपाल दोनों ही प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है। भाजपा से भी पहले उम्मीदवार जो थे राजेंद्र गहलोत, प्रायोरिटी में उन्हें रखा गया, उन्होंने भी अपनी जीत को दर्ज किया है। और राज्यसभा के लिए तीनों उम्मीदवारों का चयन हो चुका है। राजस्थान से कांग्रेस के दो प्रत्याशी केसी वेणुगोपाल और नीरज डांगी दोनों अपनी जीत को दर्ज कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी से राजेंद्र गहलोत जो उम्मीदवार थे, उन्होंने अपनी जीत को दर्ज किया है। पूरा फोकस जो था भारतीय जनता पार्टी का, वो राजेंद्र गहलोत को जिताने में था। ओमकार सिंह लखावत को हालांकि तमाम अंकगणित जानते हुए भी भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया, लेकिन दोपहर होते होते उन्होंने अपनी हार को कबूल कर लिया। कहा कि हर जो चुनाव होता है, हर जो लड़ाई होती है, वो जीतने के लिए नहीं लड़ी जाती। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने दाव पेच खेलने की कोशिश की इस प्रकरण में।